तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका दोस्त एडवोकेट उत्कर्ष शर्मा फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे चैनल टैक्स लाइफ के अंदर। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आप सब जानते ही हैं, दिवाली आने वाली है, उससे पहले धनतेरस आती है ना। तो बहुत सारे लोग हैं उस दिन बहुत सारा सोना परचेज करते हैं, ज्वेलरी परचेज करते हैं। लेडीज के अंदर ज्वेलरी को लेके बहुत ज्यादा जिज्ञासा रहती है, वो ज्वेलरी परचेज करती हैं। तो क्या आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट कितना सोना कितना गोल्ड आप अपने पास रख सकते हैं, जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको इनकम टैक्स वालों को देने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, है ना। और बात करेंगे कि किस तरीके की इनकम पर किस तरीके के पैसे से आप गोल्ड खरीद के रख सकते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्या टैक्स की देनदारी है। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी सब्सक्राइब करिए टैक्स लाइफ को, जो कि आपकी लाइफ को इजी बनाने में आपकी हेल्प करते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों जैसे कि आप सब जानते हैं कि दिवाली आने वाली है, उससे पहले आता है धनतेरस, ठीक है ना। तो बहुत से लोग हैं उस समय बहुत ज्यादा सोना जो है परचेज करते हैं, खासतौर पे लेडीज जो होती हैं उनके अंदर ज्वेलरी को लेके बहुत ज्यादा जिज्ञासा होती है। वो ज्वेलरी नई नई तरीके की फैंसी ज्वेलरीज होती हैं वो परचेज करती हैं, और वहीं पर जो पुरुष होते हैं, है ना, वो भी सोना परचेज करते हैं ताकि आगे फ्यूचर में जब उसकी डिमांड बढ़े, सोने का प्राइस बढ़े और वो सेल करके एक अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकें। तो आप जानते हैं कि कितना सोना कितना गोल्ड आप अपने पास रख सकते हैं ताकि आपको CBDT के द्वारा कोई भी प्रॉब्लम आपको ना आए, है ना। तो आज हम बात करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों बात करी जाए एक लेडीज के लिए जिनकी शादी हो चुकी है, जो मैरिड हैं, उनको जो CBDT ने बताया है, है ना, तो आप 500 ग्राम तक का सोना अपने घर के अंदर अपने पास रख सकते हैं, जिसका सोर्स अगर आप इनकम टैक्स को नहीं बताएंगे, डिपार्टमेंट वालों को नहीं बताएंगे, तब भी दोस्तों चल जाता है। वहाँ पे आपको ज़्यादा इसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। और वहीं पे दोस्तों जिनकी शादी नहीं हुई है, अविवाहित लेडीज जो होती हैं, अनमैरिड गर्ल्स जो होती हैं, है ना, उनके लिए भी CBDT ने लिमिट बताई है कि उनके लिए जो लिमिट है अपने पास गोल्ड को रखने की, वो है दोस्तों 250 ग्राम। 250 ग्राम लेडीज अपने पास सोना रख सकती हैं जिनकी मैरिड नहीं हुई है, वो 250 ग्राम तक का सोना अपने पास सेव करके रख सकती हैं। और वहीं पे दोस्तों जो पुरुष होते हैं, है ना, वो भी सोने को खरीद लेते हैं ताकि आगे जाके उनका सोने की जो डिमांड है वो बढ़ जाए, या कुछ लोग होते हैं इसलिए भी सोना परचेस कर लेते हैं ताकि आप उनकी जैसे बेटी है, बेटी की शादी में देने के लिए या किसी भी ओकेजन पे उनको ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए सोने को परचेस करके रख लेते हैं। तो दोस्तों एक पुरुष के लिए जो लिमिट बताई गई है सोने को खरीद के अपने पास रखने की, जिसकी जानकारी आप CBDT को नहीं दें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसकी जो लिमिट है वो है दोस्तों 100 ग्राम। 100 ग्राम का गोल्ड आप अपने पास रख सकते हैं, जिसकी इंफॉर्मेशन अगर आप CBDT को नहीं भी देते हैं तो भी चल जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि किस तरीके की इनकम पे हमें सोना जो है, हम किस तरीके की इनकम होने पे हम अपने पास रख सकते हैं ताकि इनकम टैक्स से हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप कोई खेती की ज़मीन को बेचकर, है ना, अपनी कोई एग्रीकल्चर लैंड को बेचकर सोना परचेस करने जा रहे हैं तो दोस्तों वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। आप अपनी खेती की ज़मीन को बेच के अगर सोना परचेस कर लेते हैं तो वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और दूसरी बात दोस्तों, अगर जो लेडीज जो होती हैं, लेडीज अपने घर के अंदर अपना जो बचतें होती हैं, अपने पैसे को संभाल संभाल कर जोड़ती रहती हैं, है ना, सेव करती रहती हैं, और उसको जब वो ज़्यादा अमाउंट हो जाती है, अच्छे पैसे उनके पास सेव हो जाते हैं, तो फिर वो जाकर सोना गोल्ड जो है वो परचेस कर लेती हैं। तो दोस्तों इस तरीके की इनकम पे, इस तरीके से पैसे जो जोड़ने के बाद आप गोल्ड खरीदने जा रही हैं तो वहाँ पे भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने की है, आप वहाँ पे जाके गोल्ड खरीद सकते हैं, आपको CBDT के द्वारा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और वहीं पे दोस्तों अगर ऐसी कोई इनकम जो एक डिक्लेयर इनकम है, जिसका आपको सोर्स पता है आपको कि किस सोर्स से आपको इनकम हुई है, जिसका सोर्स जो है डिक्लेयर आप कर सकते हैं, तो उस तरीके की सोर्स की इनकम से आप सोना जो है वो परचेज कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इनकम टैक्स के द्वारा कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने की है और ना ही कोई आपके पास नोटिस आएगा। बाकी आपके पास जो आप सोना परचेज करने जा रहे हैं तो उसकी इनकम का आपको पता होना चाहिए कि जो जिस पैसे से आप सोने को गोल्ड को परचेस करने जा रहे हैं वो आपकी डिक्लेयर इनकम होनी चाहिए, आपको
पता होनी चाहिए कि आपका पैसा कहाँ से आया है ना, जिससे आप वो सोना गोल्ड जो है वो खरीदने जा रहे हैं। कोई ब्लैक मनी नहीं होनी चाहिए दोस्तों। तो ये दोस्तों अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट उन्होंने कुछ लिमिटें ये जो बताई हैं गोल्ड को, एक महिला पुरुष और अविवाहित लेडीज के लिए वो इतने तक का गोल्ड अपने पास रख सकती हैं जिससे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी सीबीडीटी के द्वारा। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो, हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों चैनल को सपोर्ट दीजिएगा ताकि आगे भी हम आपके साथ जुड़े रहें और वीडियो लाते रहें। थैंक यू।